भागलपुर नौगछिया सहित अंग प्रदेश के लिए एक सौगात। सोनाम मैरिज गार्डन, आप उत्सव मनाए, व्यवस्था हम करेंगे। शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, पार्टी सहित किसी भी तरह के पार्टी फंक्शन के लिए एक बार अवश्य पधारें। नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा व्यवस्था वाला, जहां उपलब्ध है एसी एवं नॉन एसी कमरे, मंडप, डेकोरेशन, लाइट, म्यूजिक सिस्टम के साथ सभी आधुनिक व्यवस्थाएं। तो आए, आपका इंतजार है होटल फूड प्लाजा के सोनाम मैरिज गार्डन में। हमारा पता है सोनाम मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9661904817, 7979-499-821। भागलपुर एसएसपी आशीष भारती ने प्रेस वार्ता कर कई थाना क्षेत्र के कांड का किया खुलासा। भागलपुर परिपैती थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोर गिरोह की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया गया, जिसमें पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। अठनिया निवासी शत्रुघ्न यादव को चोरी की 3 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं कुशालपुर के निवासी सोनू कुमार को भी चोरी के 3 मोटरसाइकिल के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दूसरी ओर घोघा थाना क्षेत्र में कई दिनों से मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे अपराधी विशाल भगत को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताते चलें कि पूर्व में पड़ोसी राज्य में पुलिस मुठभेड़ में भी यह शामिल था एवं कई थाने में इसका आपराधिक इतिहास है। नवगछिया क्रिकेट प्रतियोगिता के दूसरे दिन खगड़िया ने की जीत हासिल। नवगछिया के बाजार समिति के मैदान में चल रहे स्वर्गीय छेदो देवी स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता के लीग मैच का सोमवार का दूसरा दिन था, जिसमें खगड़िया बनाम नौगछिया की टीमें आमने सामने थी। खगड़िया ने 20 ओवर में 118 रन बनाए, जबकि नौगछिया की टीम 82 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। खगड़िया की तरफ से लवकुश कुमार ने 40 रनों का योगदान दिया और सूरज ने 4 ओवर में 16 रन देकर 3 विकेट लिए। खगड़िया की ओर से एक ही गेंदबाज नकुल ने बड़ी किफायती गेंदबाजी की और 4 ओवर में 7 रन देकर 2 विकेट लिए। इस प्रकार खगड़िया की जीत सुनिश्चित कर दी गई। नौगछिया की तरफ से 82 रन बने, जिनमें 33 रन हरे कृष्ण पांडे ने बनाए और अंतिम तक नाबाद रहे। उन्होंने ओपनिंग की थी, अंतिम तक 33 रन बनाकर नाबाद रहे। खेल के मध्य भाग तक यह पता नहीं लग पा रहा था कि कौन सी टीम भारी है, किंतु जैसे ही 5 ओवर बचे थे तो नौगछिया की तरफ से विकेटों का पतझड़ प्रारंभ हो गया और 82 रन पर सस्ते में ही टीम ऑल आउट हो गई। खेल का शुभारंभ गजाधर भगत महाविद्यालय के भौतिक शास्त्र के लेक्चरर रामदेव यादव ने किया। विक्रमशिला सेतु पर जाम की स्थिति यथावत, दिन भर लोग होते रहे परेशान। विक्रमशिला सेतु पर जाम की स्थिति यथावत है। सोमवार को भी विक्रमशिला सेतु और पथ पर जाम रहने के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार सोमवार को पुल पर सुबह एक ट्रक खराब हो गया था, जिसके कारण करीब 3 घंटे तक लोगों को भयानक जाम का सामना करना पड़ा। वहीं दोपहर बाद सेतु पर ही एक ट्रक खराब हो गया था, जिसके कारण देर शाम से देर रात तक सेतु व पथ पर भयानक जाम लगा था। देर शाम खराब ट्रक को हटाने का कार्य पुलिस स्तर से करवाया जा रहा था। सोमवार को भी भागलपुर जाने आने में 4 घंटे से अधिक का समय लग रहा था। देर शाम सेतु पर कई बारात वाहनों एवं दुल्हों के भी वाहन फंसे हुए होने की सूचना मिली है। वहीं मौके पर जाह्नवी चौक ट्रैफिक थाना प्रभारी जयनाथ ने बताया कि उनके पास महज 3 आरक्षी है, तीनों छुट्टी में चले गए हैं। अब महज 3 पदाधिकारी जिनमें एक वे भी हैं के सहारे जाम हटाने का कार्य चल रहा है। थाना अध्यक्ष ने कहा कि गृह रक्षा वाहिनी के जवानों को दिया गया है, लेकिन वे लोग जाम से निपटने के लिए सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा कि वरीय पदाधिकारियों से थाने में आरक्षियों की प्रतिनियुक्ति करने की मांग उनके स्तर से की गई है। नवगछिया दंडाधिकारी की मौजूदगी में निकाला गया मिथुन का शव, डीएनए के लिए गया सैंपल। परिजन शोक संतृप्त, कपड़े और हाथ पर लिखे गोदना से परिजनों ने की पहचान। नवगछिया के नया टोला स्थित बांस के बिट्टे से 4 दिसंबर को बरामद अज्ञात शव का औपचारिक शिनाख्त पुलिस स्तर से पूरी कर ली गई है। शव नवगछिया के नया टोला निवासी मिथुन कुमार पिता स्वर्गीय प्रभाकर राय का ही है। परिजनों द्वारा सर्वप्रथम तस्वीर, लॉकेट और कपड़े को देखकर मिथुन की शिनाख्त की गई। फिर पुलिस ने न्यायालय के निर्देश पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी प्रकाश सिन्हा की उपस्थिति में देर शाम दफनाए गए शव को बाहर निकाला गया और डीएनए सैंपल लेने की प्रक्रिया के बाद
सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। डीएनए सैंपल अनुमंडल अस्पताल के चिकित्सक ने नौगछिया के अंचलाधिकारी विद्यानंद राय की उपस्थिति में लिया। मालूम हो कि 4 दिसंबर को मिले शव को पुलिस स्तर से नियमतः 72 घंटे तक रखने के बाद शिनाख्त नहीं होने की स्थिति में दफना दिया गया था। पुलिस ने शव के साथ बरामद सामग्री कपड़े लॉकेट के साथ घटनास्थल से लेकर पोस्टमार्टम तक की तस्वीर को सुरक्षित रखा था। परिजनों ने बताया कि मिथुन के हाथ पर गोदना से उसकी पत्नी नविता का नाम लिखा हुआ था। तस्वीर में यह स्पष्ट दिखता था। साथ ही पुलिस स्तर से सुरक्षित किया गया कपड़ा और लॉकेट मिथुन का ही है। मिथुन के भाई उत्तम कुमार और माँ शांति देवी ने शव की विधिवत शिनाख्त की है। वहीं परिजनों ने मिथुन के शिनाख्त में भले ही देरी की हो, लेकिन जब परिजन सामने आए तो परिजन आश्वस्त थे कि सब मिथुन का ही है। मिथुन के भाई ने अपने स्तर से घटनास्थल पर जाकर छानबीन कर मिथुन का एक चप्पल भी बरामद किया था। परिजनों का कहना है कि मिथुन और उसका भाई उत्तम दोनों रसोईया का काम करता था। 21 को मिथुन घर आया था। उसने बताया कि गौतम नाम के रसोइये के मेट से 300 रुपए लिया था, उसे काम पर जाना है। मिथुन काम पर चला गया, लेकिन फिर वह कभी लौटकर नहीं आया। वही मिथुन के शव के शिनाख्त हो जाने के बाद अब सवाल उठता है कि पेशे से रसोईया का काम करने वाले मिथुन की हत्या क्यों कर दी गई। पुलिस भी इन सवाल का जवाब ढूंढने में लगी है। मालूम हो कि जिस जगह से शव बरामद हुआ है वहां पर शव को ले जाकर फेंकना असंभव प्रतीत होता है, क्योंकि महज 200 मीटर दूर एसपी कोठी तो दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन है, अन्य दिशाओं में घनी आबादी है। स्पष्ट है कि हत्यारों ने मिथुन की हत्या उसी स्थल पर की है जहां से उसका शव बरामद हुआ है। परिजनों का कहना है कि उसके परिवार के किसी को भी वैसी दुश्मनी नहीं थी, बात हत्या तक आ पहुंचे। हत्या के बारे में मिथुन की पत्नी नविता भी कुछ भी बता पाने में असमर्थ है। मिथुन की पत्नी लंबे समय से अपने मायके में थी। हत्या की आशंका होने के बाद वह नया टोला आई है। सूत्रों से यह भी पता चला है कि मिथुन की हत्या का कारण पारिवारिक विवाद भी हो सकता है, तो दूसरी तरफ हत्या के कारणों में अवैध संबंध होने की भी बात चर्चा में है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी इस मामले में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। पुलिस छानबीन कर रही है, जल्दी हत्यारे सलाखों के पीछे होंगे। वहीं नौगछिया थाने के थानाध्यक्ष राज कपूर कुशवाहा ने कहा कि शब्द की शिनाख्त सब की शिनाख्त हो चुकी है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। प्रथम चरण में परिजनों से पूछताछ की जा रही है। जल्द ही मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। इसमें क्या कहेंगे, कोई सब मिल के मार दिया मेरा भाई को, कोई टेंशन होगा। क्या कंफर्म है कि आप ही का भाई है? कंफर्म मिलता मिला सर, सब कुछ मिला। हम कंफर्म है, कंफर्म है मेरा भाई है। कुछ पहचान? पहचान उसके हाथ में गदना है। क्या लिखा है? नबीता लिखा हुआ है, और उसके बाद एक ठो हाथ विकलांग है ऐसे करके। और पाँव में भी, बायां पाँव में अथी है, मतलब कि सूजन हो गया था जिसके वजह से अंगूठा फूल गया था। और क्या कुछ मिला है? कुछ नहीं मिला, चप्पल एक ठो मिला है। वहाँ पे गए जहाँ पे लाश बरामद हुआ था, चप्पल मिला और खोजे कुछ नहीं मिला। कब मिला है चप्पल? आज के डेट में हम शादी से आए ना, कहाँ गए थे? सिस्टर के शादी में लत्तीपुर गए थे, वहाँ से आए तो हमको रहा नहीं गया। 4 तारीख के बारे सुने थे जो, तब वहाँ जाके हम खोजे अपने से, मतलब की जाँच किए। तो वहाँ अंदर घुसे बीस मिट्टी में, तो पहले खोजे एगो दूगो चप्पल पलटा है, पानी में हेल रहा था, वो नहीं था मेरा भाई का। हाँ, तो ई वाला जो है चप्पल मिला वहाँ, तो हम उसको लेके आ गए पन्नी में। इसका सूचना जो आप दिए लाए, आपको जो शक्र है कि आप मेरा ही भाई है, इसका सूचना अभी तक किसी को नहीं दिए। बस पुलिस प्रशासन को सूचना दिए हैं? प्रशासन सबको भी नहीं पता है, हमको बस यही पता है कि मेरा भाई काम करने गया है, और कुछ नहीं कर सकते। तो आपका भाई जो का लाश जो मिला, कोई मार दिया है यही लग रहा है? कोई किसी से दुश्मनी, किस तरह का कोई दुश्मनी जो भी हो, हम कैसे बक कर सकते हैं? पारिवारिक कोई? पारिवारिक मैटर नहीं है कुछ, अलग से कोई है दुश्मन जो कर दिया है। परिवार कोई विकत तो कुछ करे, जान नहीं ले सकता है किसी का। पारिवारिक विवाद भी था कोई? सड़क दुर्घटना में 5 लोग घायल, 1 रेफर। नौगछिया थाना क्षेत्र के 0 माइल चौक पर रविवार की देर रात को हुए सड़क दुर्घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों में गोपालपुर थाना क्षेत्र के गोसाई गांव निवासी रंजीत यादव के पुत्र आनंद कुमार, सौरभ ललक मलमलखा निवासी उचित मंडल के पुत्र सौरभ कुमार,
चुरमनी मंडल के पुत्र उत्तम कुमार, शाहकुंड थाना क्षेत्र के लोकमानपुर निवासी चुन्ना देवी एवं तिलकामाझी थाना क्षेत्र के सतीश कुमार शामिल हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए स्थानीय लोगों ने नौगछियान मंडलीय अस्पताल लाया, जहां सभी घायलों का इलाज किया गया, जिसमें डॉक्टरों ने गंभीर रूप से घायल हुए चुन्ना देवी को बेहतर उपचार के लिए भागलपुर मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। नवगछिया की धरती पर शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति के साथ प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल NH 31 नवगछिया, कक्षा नर्सरी से दसवीं तक। हमारी विशेषताएं स्मार्ट क्लास, CCTV परिक्षेत्र, रेसिडेंटल फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, कंप्यूटर एंड साइंस लैब, स्पोर्ट्स सहित कई आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ। हमारा पता है प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल, NH 31 नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 88093-0473-33, 73-68-91-47-33, www.pis.education। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए एक बार जरूर पधारें प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल। भागलपुर, नौगछिया सहित अंग प्रदेश के लिए एक सौगात, सोनाम मैरिज गार्डन। आप उत्सव मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, पार्टी सहित किसी भी तरह के पार्टी फंक्शन के लिए एक बार अवश्य पधारें। नौगछिया का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा व्यवस्था वाला, जहां उपलब्ध है AC एवं नॉन AC कमरे, मंडप, डेकोरेशन, लाइट, म्यूजिक सिस्टम के साथ सभी आधुनिक व्यवस्थाएं। तो आए, आपका इंतजार है होटल फूड प्लाजा के सोनाम मैरिज गार्डन में। हमारा पता है सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल, नौगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9661904817, 9992-499-821। नौगछिया का पहला फर्नीचर शोरूम अब और भी नए आकर्षक रूप में, गौरी शंकर फर्नीचर शोरूम। फर्नीचर, फर्निशिंग एवं किचन वेयर के सभी सामान के साथ एक नए आकर्षक रूप में, शीशम सागवान पलंग, त्रिवेणी वैशाली कंपनी अलमीरा, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर। धनतेरस गौरी शंकर फर्नीचर, नौगछिया हाई स्कूल के सामने। संपर्क सूत्र सौरभ जायसवाल, 9796-11005, 8292-9431-26। नौगछिया में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जिम, वर्ल्ड जिम, स्टेट बैंक के सामने, एक्सिस बैंक के समीप, नवगछिया। समाज को स्वस्थ और सशक्त बनाने का एक उपक्रम, पूर्णतया वातानुकूलित, महिला एवं पुरुषों के लिए अलग अलग समय, मोटापा, हाई लो BP, थायराइड जैसी खतरनाक बीमारी को खुद से दूर भगाए। व्यवस्थापक अमित कुमार, सचिव अभिषेक आनंद। हमारा पता है वर्ल्ड जिम, नवगछिया स्टेट बैंक के सामने, एक्सिस बैंक के पास। संपर्क सूत्र 9031696929, 9031-6969-29, 799-224-5510। बैग चॉइस, बैग चॉइस, महेंद्र लस्सी वाले के सामने, पोदार गली, नवगछिया। हमारे यहाँ उपलब्ध है ट्रॉली बैग, डफल, स्कूली बैग, सूटकेस, लेडीज पर्स, जेंट्स पर्स, छाता, रेनकोट सहित कई सामान। 20 रूपए से लेकर 6000 रूपए तक का बैग है हमारे पास उपलब्ध। नौगछिया का एकमात्र दुकान जहां उपलब्ध है अमेरिकन टूरिस्टर का सामान। एक बार अवश्य पधारे बैग चॉइस, महेंद्र लस्सी वाले के सामने, उदार गली, नवगछिया। संचालक डॉक्टर रजनीकांत देव। हमारा संपर्क सूत्र है 8294855586, 8294855586। बैग है लेना तो बैग चॉइस ही है जाना। नौगछिया का गौरव त्रिशा खोआ मेकर, शुद्ध घी, खोआ, पनीर, मक्खन के लिए एक बार अवश्य पधारें। पता भवानीपुर, नया टोला, नौगछिया, काली स्थान के समीप। संपर्क करें कुंदन कुमार जायसवाल, 9571-43094-87-79-23-1002। आइडियल विद्या मंदिर, हरनाचक, नवगछिया। कक्षा नर्सरी से अष्टम तक, बस की सुविधा के साथ, नवगछिया का एक श्रेष्ठ स्कूल। प्राचार्य प्रमोद कुमार सिंह। हमारा मोबाइल नंबर है 9934261437, 9934261437। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए संपर्क जरूर करें। आवासीय विद्या मंदिर, हरनाचक, नवगछिया।
अब वाहन प्रदूषण जांच केंद्र आपके अपने मकनपुर चौक नौगछिया NH 31 पर। संपर्क करें शुभम धर्मकाटा NH 31 अरविंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल के सामने मकनपुर चौक नौगछिया। बीरपुर सोनवर्षा के बमबम को मिला बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड। बीरपुर प्रखंड के सोनवर्षा निवासी संजय चौधरी के द्वितीय सुपुत्र 25 वर्षीय बमबम चौधरी को स्कार फोल्डिंग की दुनिया में बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड मिला है। इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड नाम से कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सिने अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ने उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया है। महाराष्ट्र में युवा व्यवसायियों में अपनी पहचान बना चुके युवा व्यवसायी बमबम चौधरी ने बताया कि यह मुकाम उनके सच्ची लगन और मेहनत से मिला है। उनके पूरे टीम के सहयोग से यह मुकाम हासिल हो पाया है। उन्होंने बताया कि अभी तक मेरे कंपनी का 6 राज्यों में ब्रांच चल रहा है। बमबम ने बताया कि वर्तमान में अपनी कंपनियां चौधरी स्कार फोल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर और कंस्ट्रक्टर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से 500 से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान कर रहे हैं, जिसमें अधिकांश बिहार के ही हैं। नवगछिया कुणाल बने युवा जदयू के प्रदेश सचिव। युवा जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष सह टिकारी विधायक अभय कुशवाहा ने नवगछिया के युवा नेता कुणाल कुमार गुप्ता को प्रदेश सचिव के पद पर मनोनीत किया है। प्रदेश सचिव का दायित्व मिलने पर कुणाल ने कहा कि पार्टी के प्रति वे सदैव निष्ठावान रहेंगे। वे नई जिम्मेदारी का निर्वाहन बेहतर ढंग से करने का प्रयास करेंगे। कुणाल को प्रदेश सचिव बनाए जाने पर जदयू नेताओं कुमार मिलन सागर, अजीत कुमार पटेल, चंद्रेश्वरी सिंह निषाद, पुलकित मंडल, गौतम यादव, युवा जदयू जिलाध्यक्ष सोनू जायसवाल, अजय चौधरी, प्रिंस पटेल सहित कई अन्य ने बधाई दी है। नवगछिया खरीक 14 नंबर सड़क पर अज्ञात ट्रक के धक्के से वृद्ध की मौत। खरीक थाना क्षेत्र के 14 नंबर सड़क पर सोमवार की सुबह टहलने निकले नया टोला तेलगी निवासी गीता मंडल 61 वर्ष की मौत अज्ञात ट्रक के धक्के से हो गई। सुबह में सड़क पर दौड़ रहे युवकों ने गंभीर रूप से घायल बेहोश वृद्ध को देखकर मामले की सूचना परिजनों को दी। परिजन मौके पर पहुंचकर गंभीर रूप से घायल बेहोश गीता मंडल को उठाकर खरीक PSC लाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल वृद्ध को मृत घोषित कर दिया। ट्रक के धक्के से वृद्ध का सर पर गंभीर जख्म और पैर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। वहीं इस मामले में खरीक पुलिस ने बताया कि सड़क हादसे में हुई मौत मामले में खरीक में थाना कांड संख्या 300/19 दर्ज कर पुलिस कार्रवाई कर रही है। नवगछिया में ट्रेन की चपेट में आने से अज्ञात युवक की मौत। कटिहार बरौनी रेलखंड के बीच कटरिया स्टेशन के आगे कुर्सेला रेल पुल पर नौगछिया GRP पुलिस ने एक अज्ञात युवक का शव बरामद किया है। अज्ञात युवक की मौत किसी अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से होने की बात सामने आ रही है। नौगछिया GRP थाना अध्यक्ष शत्रुघ्न प्रसाद ने बताया कि सोमवार की सुबह 9 बजे सूचना मिली कि रेल पुल पर किसी अज्ञात युवक का शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस स्थल पर पहुंची, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया। वहीं थानाध्यक्ष ने बताया कि शव की पहचान नहीं हो पाई है। मृतक युवक की पहचान को लेकर पुलिस प्रयासरत है। नारायणपुर में पैक्स चुनाव संपन्न। नारायणपुर प्रखंड में 6 पैक्सों के 14 बूथों पर सोमवार को शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था व दंडाधिकारी व उड़न दस्ता टीम के सानिध्य में मतदान हुआ। प्रत्येक बूथों पर 4 पुलिस जवान के साथ 1 पुलिस पदाधिकारी को तैनात किया गया था। साथ ही प्रत्येक बूथ पर 4 मतदान कर्मी को लगाया गया था। चुनाव के साथ ही संध्या के बाद सभी प्रत्याशी समीकरण जोड़ तोड़ के बाद अपने अपने जीत के दावे कर रहे थे। नगरपारा दक्षिण पैक्स, नारायणपुर पैक्स, बैकंठपुर पैक्स, जयपुर चूहर पश्चिम पैक्स, भमरपुर पैक्स में कई प्रत्याशी अध्यक्ष पद पर हैं, जबकि सदस्य पद पर केवल 2 पैक्स नारायणपुर एवं बैकंठपुर में चुनाव हुआ। दोनों पैक्स के सदस्य पद पर कुल 24 उम्मीदवार हैं। वहीं बताते चलें कि पैक्स चुनाव के बाद प्रखंड मुख्यालय परिसर स्थित शिल्प प्रशिक्षण भवन में बजगृह बनाया गया है, जहां सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर मतपेटी को रखा गया है। वहीं आज मंगलवार को 6 टेबल पर 3 चक्र में मतगणना की प्रक्रिया होगी।